This hospital in Islamabad is struggling to cope with the number of COVID-19 patients being admitted to its wards. Infection rates across Pakistan have increased significantly in the last 2 weeks. The government has ruled out a second national lockdown. Shops, restaurants and factories can stay open but must follow social distancing measures. And weddings are restricted to a two-hour gathering, but up to 300 guests can attend. Prime Minister Imran Khan has banned his PTI party from holding public rallies and asked others to do the same. Opposition parties accuse him of playing politics. The ban on political rallies is not acceptable. We categorically reject the government's decision and our rallies will happen as scheduled. The Prime Minister says he's worried about the number of people being admitted to hospitals and is urging people to wear masks in public and avoid crowds to prevent the second wave of coronavirus being worse than the first. Bismillahirrahmanirrahim. Main hu Shoaib Khan aur aap dekh rahe hain mera YouTube channel. Program Cross Talk ke sath ek dafa fir main aapki khidmat mein hazir hu aur hamesha ki tarah mere sath Azam sahab maujood hain. Azam sahab aapka bahut shukriya aaj aapne mujhe waqt diya. Aaj mera topic jo hai jaise aapne shuru mein montage mein dekha ki COVID-19 ke hawale se aur COVID-19 ki wajah se ek waba phaili hui hai pure Pakistan mein puri duniya mein. इस पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं लेकिन अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पा रही हुकूमत कि लोग इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे. मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और वो ये कि जो अभी तक के जो मौजूदा हालात में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ. COVID-19 चाइना वुहान से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में इसको पेंडेमिक का एक दर्जा मिल गया और पूरी दुनिया में ये फैलता गया वुहान से. उसके बाद हम ये देखते हैं कि तकरीबन 55 लाख के करीब पूरी दुनिया में लोग इससे इफ़ेक्ट हुए और मोर देन 1.3 मिलियन पीपल जो है जो लोग हैं वो मर चुके हैं इसकी वजह से. इसी तरह तकरीबन 35 लाख लोग जो हैं वो तकरीबन इससे रिकवर होंगे. जब हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो तकरीबन 3,60,000 के करीब केस रिपोर्ट हुए जिनमें से 3,25,800 जो हैं वो लोग रिकवर कर गए इससे, लेकिन इसी के साथ 7,200 के करीब जो है वो लोग जो हैं वो इसकी वजह से मर चुके हैं. अब गुज़िश्ता 6 दिनों से पाकिस्तान में 2,000 के करीब डेली की बुनियाद पे जो है वो केस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए और जो रेमेडीज़ और जो गवर्नमेंट ने SOPs बनाई हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए. जी तो आज़म साहब आपको क्या लगता है कि ये इसकी बुनियादी वजह क्या है कि लोग इसके ऊपर ऐसे अमल नहीं कर रहे SOPs के ऊपर? शोएबन, मसला ये है कि हमारी कौम जो है बड़ी मतलब है इमेजिनेटिव किस्म की है और वो तसव्वुरात पे ज़्यादा यकीन करती है. अब वो हमारी कौम हकायक की तरफ नहीं जा रही. कोरोना एक हकीकत है और पूरी दुनिया में फैल रहा है और पूरी दुनिया से मुतासर हुई है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो बिग सिटीज़ हैं उसमें तो किसी हद तक कंट्रोल है, लेकिन जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे लोग कहते हैं जी कोरोना वरोना कोई बीमारी नहीं है जी, ये बस पॉलिटिकल स्टंट है, ये हुकूमत फैला रही है. वैसे पॉलिटिकल स्टंट से याद आया सर, ये पिछले दिनों PDM वाले कह भी रहे थे ऑपोजिशन जमातें कि ये हमें जलसे करने से रोकने की वजह से नहीं. देखें, PDM है या जो भी पोलिटिकल पार्टी है उसका तो अपने इशूज़ हैं और उनके अपने मकासद हैं, वो सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं. आप देखें कि अगर ये स्टंट होता तो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के वो इसमें इन्वॉल्व हुए, उसके बाद सिंध के दो मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए, स्पीकर साहब हमारे कैसर साहब इन्वॉल्व रहे, तो ये एक हकीकत है, खुली हकीकत है. और बल्कि CM सिंध ने तो क्वारंटाइन भी कर दिया जी. बिल्कुल, कौम को तस्लीम करना चाहिए कि ये एक बीमारी है और प्रिवेंशन मैयर हमने लेने हैं. अब प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, सर वजीर आजम साहब को जलसे कर रहे हैं, यही तो लोग कह रहे हैं कि खुद जलसा करें तो ठीक है, जब बाकी करें तो आप कहेंगे कि पेंडेमिक है. जब तक इसका वार तेज नहीं हुआ था उस वक्त तक जलसे होते रहे, लेकिन जो ही इसके वार तेज हो रहे हैं, अभी आप खुद ही बता रहे कि 2,000 केस डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं. मैं आपको आज की बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो इस्लामाबाद फैलू कैपिटल है जहाँ पे 2 दर्जन से ज्यादा बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं, वहाँ पे कोरोना पेशेंट्स के रखने की जगह ही नहीं रही. हेल्थ सिस्टम वीक है सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, बुनियादी वजह क्या कि लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे, पढ़ा लिखा तबका नहीं हो रहा. आप जो अनपढ़ तबका उसकी तो बात ही, गवर्नमेंट बार बार अवेयरनेस की कैंपेन चला रही है और हमें उससे आगाही हासिल करनी चाहिए. हमें एक दूसरे को खुद भी कन्विंस करना चाहिए कि भाई ये बीमारी है. अभी मैं कुछ देर पहले एक ऑफिस में गया तो वहाँ एक साहब नाराज़ हुए थे कि जी भैया आप मास्क पहनने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं, तो आप प्रिवेंशन मेजर्स लें, आप मास्क पहने, आप 6 फीट का जो फासला है आप वो रखें, आप उसके नहीं सर, वैसे तो हम लोग भी आज
6 फुट का फासला तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि हमें इसके ऊपर अमल तो करना चाहिए। लेकिन मैं यही बात कर रहा हूँ, तालीमी इदारे स्टूडेंट्स का शुरू से मतलब आपको पता है कि वो ये रहा कि हम तो चाहते ही नहीं कि तालीमी इदारे खुलें और हम जब वो कैंपस में आके तालीम हासिल करें। अब मैं मेरा ये आर्गुमेंट है बच्चों के साथ भी कि आपको इस बात का एहसास नहीं कि आप अपने कैरियर के साथ क्या करें अगर आप ये हरकत करते हैं। नहीं, वो तो और SOPs को फॉलो नहीं, वो तो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो स्टेट है उसकी अपनी अलग जिम्मेदारी है जी। अब स्टेट की ख्वाहिश ये है कि कम से कम नुकसान, क्योंकि अभी तक इसकी जो वैक्सीन है जी वो मिसाल है टेस्टिंग ट्रायल में जी, और इस हवाले से एक खुश आइंद बात ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 1 करोड़ अफराद के लिए वो अभी एग्रीमेंट करने जा रही है, 1 करोड़ वैक्सीन आएगी हमारे पास, और इब्तदाई तौर पे जो 65 हैं और 50 to 65 के दरमियान में जो लोग हैं फाइनल इस्तेमाल करेंगे। मेरा सब बुनियादी सवाल यही है कि ये इसकी वजह क्या है, क्या कैरेक्टर बिल्डिंग का मसला हमारे? देखिए खान साहब मेरी बात कि अव्वल तो जब पहली वेव आई, मैं आप बात काट रहा हूँ, पहली वेव आई तो हमें बड़ा अच्छा काउंटर किया, पूरी दुनिया ने मिसालें दी थी, PTI गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सा काउंटर किया। लेकिन अभी सेकंड वेव में जो है वो लोग समझ रहे हैं कि एक नॉर्मल चीज़ है और हमें ज़िंदगी के मामला चलाने हैं। मैं आपके पास पहले बात करूँगा फर्स्ट वेव की। जब फर्स्ट वेव आई हमने कम्प्लीट लॉकडाउन किया तो अपोजिशन की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि जनाब भाई मर गए, हम लोग घरों में बैठे हैं, बेरोज़गार है, कारोबार तबाह हो गया। हाँ जी, फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मेरे ख्याल छोटी ईद का ईद उल फितर का मसला था जी, तो जब ईद उल फितर आई तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्स किया कि जो कारोबारी लोग हैं वो अपना कारोबार भी करें। तो रिकॉर्ड था कि एक दिन में मेरे ख्याल 26 रोज़ा था या 25 रोज़ा था, 25 रोज़े को रिकॉर्ड यह है कि 2.5 लाख अफराद रावलपिंडी के राजा बाज़ार मौजूद थे, और किसी शॉपिंग एरिया में, किसी मार्केट में, किसी जो बड़े बड़े मॉल थे उनमें तिल धरने की जगह नहीं थी, और लोग इस तरह टूट पड़े। और एक तरफ वो गुर्बत का रोना रोन थे, मुझे याद है जब गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी थी जी बिल्कुल शॉपिंग कर लें जी बिल्कुल। तो अब ये आवाम को खुद सोचना है कि हमने किस तरह बढ़ना है, हमने तबाही की तरफ जाना है या हमने बचाव की तरफ। अवेयरनेस तो क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट अपने एंड पे सारा मामला कर भी रही है, लेकिन मसला ये है कि लोग उस चीज़ को सेंस नहीं कर पा रहे। तो आप कोई ऐसा मामला हमें बताएं या कोई ऐसी बात बताएं जिससे हम अवेयरनेस बेहतर तरीके से हम अपने प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचाएं। शेफन, इसमें बुनियादी बात यह है कि कोरोना एक हकीकत है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और ये कोरोना फैलता है सर्दियों में। अब तक की रिसर्च के मुताबिक जो जो सर्दी बढ़ती जाएगी आपके कोरोना के पेशेंट का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। आज हम नवंबर में बैठे हैं और 2000 पेशेंट पर डे है, तो अल्लाह ना करे कि मज़ीद सर्दी की लहर आएगी तो ये मज़ीद बढ़ेंगे। तो हमें अपने आप को महफूज रखने के लिए, आप दूसरे को महफूज ना करें, अपने आप को महफूज करें, जब आप महफूज हो जाएंगे तो अगला ऑटोमेटिकली महफूज हो जाएगा। मेरा तो पैगाम यही है। अभी लॉकडाउन का जिक्र हुआ या स्मार्ट लॉकडाउन आप कह रहे हैं, और गवर्नमेंट ने यह किया कि वो 20 नवंबर से 31 जनवरी तक इम्पोज कर रही है। शादी हॉल्स का उन्होंने कहा है कि हम बंद कर रहे हैं, और तालीमी इदारों के हवाले से पॉलिसी जब वो 1 हफ्ते बाद रिव्यू होने, तो लोग बाज नहीं आ रहे। फिर मैं साथ साथ ये भी बात बताता चलूँ आप सबको कि इन्होंने 31 जनवरी का कहा है कि हम उसके बाद रिव्यू करेंगे, और शादी हॉल जो हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन जो आउटडोर शादी हैं वो आप कर सकते हैं बाहर, मतलब ओपन एयर में कर सकते हैं। 300 तक इजाज़त दी है, 300 तक इजाज़त दी है, पहले इब्तदाई तौर पे 1000 थी, फिर इन्होंने 300 तक लिमिट कर दिया। अभी लेकिन बात है कि सर इस्लामी तरीके से भी आप शादी कर सकते हैं, इस्लामी तरीके से भी शादी हो सकती है। अभी देखें कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है आसिफ अली सरदारी ने, उनकी बेटी बख्तावर की मंगनी होने जा रही है जी, तो उन्होंने कहा है कि पहले तो आप जो गेस्ट इन्वाइट किए गए हैं कि वो अपना कोरोना टेस्ट जो है वो करा के वो उन्हें व्हाट्सअप करेंगे या ईमेल करेंगे, और दूसरा हर बंदा मास्क पहन के आएगा, और तीसरा ये है कि उन्हें बड़ी मजबूत की है मंगनी का जो इवेंट करने जा रहे हैं वो बड़ा मजबूत। सर खैर मैं ये समझता हूँ कि ये प्रिविलेज क्लास है जिसकी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, और इनका कोई ताल्लुक वास्ता ऐसा बनता नहीं हमारी सोसाइटी के ऊपर, कि मतलब अल्लाह ना करे इन लोगों को अगर कोरोना हो भी जाता है तो उनके पास बड़ी फैसिलिटीज़ हैं वो मैनेज कर सकते हैं। असल बात है कि ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं उनको कैसे काउंटर करना है, हेल्थ सिस्टम भी ग्रास रूट लेवल की जहाँ तक बात है, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन है कि जो लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के वो अपने घरों में बैठ के काम करेंगे जो भी ऑफिशियल वर्क होगा, और इन्फॉर्म किए बगैर वो अपना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। दूसरा ये है
कि बाज़ दफ़ातर में हमने स्टाफ कम कर दिया। स्टाफ कम ऐसे किया कि वो एक दिन ड्यूटी करेंगे और फिर अगली दिन वो 50% वाली सजेशन की बात करें जी, उस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया और पीटीवी एग्रीकल्चर बैंक और दीगर जो हमने ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया वो बाकायदा काम शुरू हो चुका है। अब जहाँ तक बात है आम आदमी की, तो आम बंदा तो ढोल की जो ताल है उसको नाचना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को कुछ सख्ती करनी पड़ेगी दूसरी वे में भी। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन उन लोगों के खिलाफ जो वायलेशन करते हैं। अब जैसे शादी हॉल्स हैं, हाँ जी, और वो उन पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, और जो आपकी मार्केट्स हैं उसके मुतलिक भी ये कहा जा रहा है कि मेरे ख्याल है 6 बजे कारोबार बंद हो जाएगा। नहीं, अभी 10 बजे तक है जी, जी, लेकिन अंडर कंसिडरेशन है कि 6 बजे तक हम कर देंगे जी, अगर लोग मजीद मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कोई मुश्किल आई ना तो 6 बजे बंद हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं एक हफ्ते तक उनने अभी तक फैसला नहीं किया, उन्होंने कहा कि एक हफ्ते का टाइम हम दे रहे हैं और एक हफ्ते बाद वो रिव्यू में जाएंगे, और रिव्यू में हो सकता है कि एक सजेशन है कि 2 महीने की छुट्टियां दे दें, 31 जनवरी तक स्कूल सर्दियों की छुट्टियां एक्सटेंड करके गर्मियों की काम करें, बिल्कुल 31 जनवरी तक छुट्टियाँ होंगी और उसमें कोशिश ये की जाएगी बच्चे कम से कम। अच्छा सर, मेरी वैसे सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जो ओए लेवल्स के बच्चे हैं जो कैम्ब्रिज सिस्टम के हैं उनके एग्ज़ाम जो है वो गर्मियों में होते हैं जी जी, तो उसके हवाले से गवर्नमेंट को फिर 2 पॉलिसीज बनाने पड़ेंगी। वैसे ज़ाहिर है जब आपके पास जो आपका सिलेबस है या आपके पास जो एजुकेशन सिस्टम है जी वही 2 है आपके पास, एक तो वो लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के साथ हैं जी, जो ओ लेवल करते हैं, ए लेवल करते हैं, सीनियर कैम्ब्रिज करते हैं, जूनियर कैम्ब्रिज करते हैं, दूसरे मेरे आपकी तरफ लोग हैं जी, तो ज़ाहिर है कि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस बात पर भी सोच रही होगी और वो यकीन ऐसा करेगी। नहीं तो मुझे ये बताएं कि फिर इसके हवाले से एक तो SOTs जो बनाई हैं, हेड्स ऑफ टू गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पिछली दफ़ा जो गलतियाँ हुई इनकी कोशिश ये है कि हम इस दफ़ा उसको दोहराएं ना, लेकिन बात हुई है कि सर आवाम के लिए ये सैनिटाइज़र मास्क वगैरह तो बात ठीक है, लेकिन अक्सर हम नोट करते हैं जब हम मास्क इवन परचेज़ भी करने के लिए जाते हैं तो फार्मेसी के जो लोग होते हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना होता। तो पहली चीज़ तो ये कि आप खुद तो एग्जांपल बनो, यहाँ पे हमारी जो ईमानदारी है दयानतदारी है उसका भी इम्तिहान होता है कि वो मास्क जो 5 रुपए का था 3 रुपए का था वो भी अब 20 रुपए में बिकना शुरू हो गया, जो जो कोरोना का रेट अप होता जाएगा ये मास्क 100 रुपए तक पहुँच जाएगा, ये तो हमारी दयानतदारी का है और शुड बी वियर, उनको पहनना चाहिए। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें ये फैसला किया गया कि जो रेस्टोरेंट छोटे रेस्टोरेंट हैं उनको 1 हफ्ता का टाइम दिया गया, हाँ जी, और 1 हफ्ते के बाद वो भी टेक अवे वाला सिस्टम मतलब पार्सल वाला जितना भी मामला हो जाएगा, क्योंकि जो NCS है उनका ये NCSC है NCOC उनका ये एक सजेशन है कि रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाने से कोरोना ज़्यादा फैलता है, इसलिए इसको कम करने के लिए टेक अवे पे ज़्यादा जोर देते हैं। नहीं वैसे मैं ये बात करता चलूं कि सर हेल्थ सिस्टम वीक है और लोगों को इस बात का ख्याल करना चाहिए, वैसे तो रेमेडीज़ की बेस्ट ये है कि आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दें। और सिस्टम की आप बात करते हैं तो पिछले 70 सालों में आपके हेल्थ सिस्टम पे किसी ने तवज्जो ही नहीं, वो तो चले सर उसके ऊपर किसी आपकी और दिन हम बात करेंगे, अपनी वैक्सीनें बिकती रही हैं, हर चीज़ पुराना सिस्टम सर, इस तरह तो आप हेल्थ सिस्टम में देख लें बहुत सारे इशूज हैं, जो फार्मासिस्ट के लाइसेंस का इशू है, उसके अलावा जो दवाइयाँ फेक बिकती हैं 2 नंबर, वो एक बहुत बड़ी डिबेट है, उसके ऊपर हम किसी और दिन बात। मैंने किसी ज़माने में खुद भी कोविड थोड़ा सा बिजनेस किया था तो मुझे पता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ दो नंबरियाँ होती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली पूरा प्रोग्राम चाहिए उसके लिए। तो मैं लास्ट में सर ये बात करूँगा कि आप खुद भी ये आपने है मास्क जो है वो हाथ में रखा इसको मुँह पर लगाएँ, और मैं खुद भी लगाऊँगा, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जो है वो ये मास्क और हैंड सैनिटाइज़र लाजमी यूज़ करें क्योंकि ये हमारी अपनी सेफ्टी है। आदम साहब आप एंड पे कुछ कहना चाहते हैं? तो पूरी कौम की सेफ्टी है, आपने इस मुल्क को बड़ी मेहनत के साथ हासिल की है और इसके लिए हम लाखों कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों इज्जतें लुकवाई गई हैं, इस मुल्क को महफूज रखने के लिए एक मास्क का पहनना कितनी बड़ी कीमत दी है, आप मास्क पहने खुद भी पहने, अपने घर वालों को भी तरगीब दें, अपने दोस्तों को भी तरगीब दें और जिस कम्यूनिटी में आप रह रहे हैं उसको भी तरगीब दें, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो SOPs मुतय्यन की हैं उस पर पूरी तरह अमल करूँ। मैं बस आखिरी बात सर ये करूँगा कि हमारे यहाँ पे लोग बड़ा बुरा महसूस करते हैं इस बात पर कि अगर हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया,
तो इसको बिला झिझक कोई भी मिले, आप अपने सीने पर हाथ रख के उसको सलाम कर लें। असल मकसद सलाम करना होता है। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाई हैं उसको लाजमी इम्प्लीमेंट करें। ये हम अपने प्लेटफॉर्म से गुजारिश करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग और नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।